सर नेगेटिव मार्किंग मतलब कैसे कम करें, क्योंकि मॉक टेस्ट दिया है मैंने तो उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, तो उससे मतलब ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सारे वीडियोस देखे सब कुछ पढ़ा है, बट फिर बाद में डिप्रेशन हो जाता है कि अरे तो सारे तो गलत ही हो जाते हैं, मतलब बहुत नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। जितना सही नहीं होता उससे ज्यादा तो गलत ही हो जाता है, मतलब अगर 25 सही हुआ है तो उसमें 17 गलत हो गए। तो फिर गड़बड़ है, इतना ज्यादा गलतियां होना। देखिए ये नेगेटिव मार्किंग अब 2-4 दिनों में अवॉइड करवाना तो बहुत मुश्किल है, बट नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने की तैयारी बहुत पहले से होती है। तुक्का जिसको हम बोलते हैं वो मारना कम करना पड़ता है। अभी के टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा तुक्का आप मारते या चले आ रहे होगे और आपको वो रियलाइज नहीं हो रहा होगा। तुक्का मिनटों से जरूरी नहीं कि आप जानबूझ के मारे, तुक्का अनजाने में भी मारते हैं आप। अनजाने का मतलब हमें लगता है कि ऑप्शन सही है लेकिन होता नहीं है। तो ये चीज को अवॉइड करने का सीधा सीधा गेट एग्जामिनेशन में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऑल्दो सभी एग्जामिनेशन में है, बट गेट के पास क्या होता है कि इसकी निगेटिव मार्किंग 1/3 वाले परसेंटेज पे होती है। मतलब आपको एक क्वेश्चन के नुकसान से लगभग लगभग एक तिहाई जो नंबर कट जाते हैं, जबकि सीएसआईआर में थोड़ा सा कम होता है, वो 1/4 होता है वहां पे। तो बेहतर ये होता है कि गेट एग्जामिनेशन, वैसे भी क्वेश्चंस 65 है, 65 के 65 करने अगर बीटी के हैं, एक्सेल के हैं, तो भी उसमें से कुल मिला जुला के 65 क्वेश्चंस ही होते हैं, केमिस्ट्री एप्टीट्यूड और जो भी दो सेक्शंस आप अटेम्प्ट करेंगे। तो कोशिश ये करें कि सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करें जिसमें आप 100% श्योर हो। 100 का मतलब 95 ही हो पाएंगे, 100 तो हर क्वेश्चन में नहीं हो पाएंगे, बट ऐसा लगेगा कि नहीं यही होगा। पहले उन क्वेश्चंस को ऑप्ट करें। अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो 65 क्वेश्चंस में से हो सकता है कि आपने जो है 20 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ लिए जो आपको एकदम फुल प्रूफ आते थे। तो उन 20 क्वेश्चन से हिसाब से आप कैलकुलेट करके देखिए कि आप 20 में से अगर ये सब के सब सही होते हैं तो कितने नंबर आ रहे हैं आपके, अगर रिजल्ट इसी पे बने तो। और आपको लगता है कि हाँ अगर ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन के आसपास अब आप थोड़ा सा चांस लीजिए, मतलब जो 50-50 आपको लग रहा था उन पे चांस लीजिए। तो ऐसे करना पड़ता है, नहीं तो आप सोचोगे कि हर क्वेश्चन को रीड आउट किया नहीं आता है, आता है करना है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स के क्वेश्चंस, या एक इस बार आया है मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर्टिकुलरली केसेस में क्या है कि आपको जरूर ऑप्ट करना चाहिए। ये मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कुछ भी A to Z बोल दो, तुक्का लगना बहुत मुश्किल है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, फॉर्मूला पता हो, नहीं पता हो, जो वैल्यूज दी हुई है उसी में से गुणा गणित दिमाग लगा के कुछ ऊपर नीचे करके कैलकुलेट करके लिख दो, क्योंकि जाना तो कुछ नहीं है। अगर भगवान की थोड़ी बहुत कृपा रही तो लग जाएगा। आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड, बट नहीं आ रहा है तो लिख दो। लेकिन याद रहे लिखना उसी हिसाब से, क्योंकि उसमें उन्होंने बोला जाता है कि दशमलव के 2 प्लेसेस तक दिया जा रहा है, दशमलव के 3 प्लेसेस तक, तो ऐसी ही वैल्यू लिखना, नहीं तो वो 0 हो जाता है ऑटोमेटिकली। पता लगा लिखा है कि आपको पॉइंट्स में लिखना है और आप 2000 या 10^5 लिख के चले आ रहे, तो ऐसे वैल्यू इंटर मत करना। इंटर हमेशा जो है, जो दिया जाए इंस्ट्रक्शंस उसके हिसाब से इंटर करके आना। न्यूमेरिकल्स के लिए ये है। एमएसक्यूज में भी शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो एमएसक्यू के क्वेश्चंस कई बार लोग, किसी ने पूछा था सर एमएसक्यू के क्वेश्चंस को भी कैसे ऑप्ट करें, तो एमएसक्यू में एक समझा जाए तो सीएसआईआर का ही ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले में से, जिसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते, मतलब मोर देन वन स्टेटमेंट सही हो सकते, तो आप उनको पढ़िए। और एमएसक्यू क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए। आप एक बार में अगर हर स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे ना, तो आपके साथ ऐसा होगा कि गलतियां करने के चांसेस बढ़ेंगे। एमएसक्यू के क्वेश्चंस को, हर स्टेटमेंट को कम से कम आदत डालिए कि 3 बार पढ़ना है, कि ये सही में सही है कि नहीं, या मुझे लगा सिर्फ पहली बार। तो जब 3 बार पढ़ेंगे और फोकस देके, प्रेशर देके उस पर पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या गलतियां हैं या क्या सही है। अगर आपने लॉजिकली पढ़ा होगा, पढ़ा तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये 2 चीजें हैं, बाकी उन्हीं क्वेश्चंस को ऑप्ट करिए जो आपको 100% आ रहा है, उनको अवॉइड करिए जिन पे आपको 50-50 वाले चांस है। वो तब करिए जब आपके पास जो है उन क्वेश्चंस को करने की मजबूरी हो, नहीं तो मत करिए 50-50 वाले। एकदम 100% वाले, टिप टॉप पॉइंट वाले क्वेश्चंस को पहले करिए। 15-20 क्वेश्चन निकल जा रहा है तो मोटा मोटी आप लगभग लगभग क्वालिफाई की कैटेगरी में चले जाएंगे। 5 क्वेश्चंस पे जो है चांस ले सकते हैं, बहुत ज्यादा चांस भी नहीं लेना है कि पता लगा कि मैंने जो है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हो चुका, बहुत लोगों के साथ भी होता है कि हमारे पास 20-30 क्वेश्चंस तो आ जाते हैं और फिर हमें 10-15 क्वेश्चन में चांस लेने के चक्कर में जो नंबर बन भी रहा था वो भी नेगेटिव में लेके क्वालिफिकेशन से बाहर चले जाते हैं। तो वो बिल्कुल नहीं करिएगा।